सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे मल्टी वेगर स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में, जो कि आने वाले लॉन्ग टर्म में ये तीनों कंपनी बहुत ही आपको धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। सो उसमें से पहला स्टॉक की अगर हम बात करें, सो दोस्तों एथॉस लिमिटेड, इसके रिगार्डिंग मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। जब ये स्टॉक 900 के आसपास था तब भी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया। आज आप देख पा रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर स्टॉक हमें 1400 तक आते हुए देखने को मिले, और कल के दिन बहुत ही शानदार हमें तेजी देखने को मिला, लगभग 6% की तेजी। सो अगर हम एथॉस लिमिटेड कंपनी की बात करें, सो कंपनी की अगर हम बात करें, आप देख पा रहे हैं इंडिया के लार्जेस्ट हमें प्रीमियम वॉचेस रिटेलर हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनमें लगभग 30% के आसपास हमें मार्केट शेयर देखने को मिल जाते हैं। और अगर कंपनी की हम प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी लगभग हमें 20% के आसपास हमें कंपनी के मार्केट शेयर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद कंपनी की अगर प्रेजेंस की बात करें तो ऑब्वियसली ये आपको इनके मैक्स टू मैक्स जो प्रेजेंस है आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिया के अंदर इनके हमें 50 स्टोर देखने को मिल जाते हैं और 17 सिटीज़ में। साथ साथ कंपनी की अगर हम ब्रांड की बात करें तो कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि ओमेगा की बात करें, IWC की बात करें, इन कुछ पॉपुलर ऐसे ब्रांड हैं जिनका नाम आप तो ज़रूर सुना होगा। अगर आप इसके वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस ब्रांड के नाम आपने पहले भी सुना होगा। इनकी अगर हम वॉचेस की बात करें, इतने लग्जरी वॉचेस रहते हैं दोस्तों, एक एक वॉचेस की कीमत 10 लाख 20 लाख, इस पॉइंट के ऊपर भी हम आगे ज़रूर आएंगे। उसके बाद आपको पता है कंपनी के दो जगह से कंपनी का हमें इनकम देखने को मिल जाता है, पहला स्टोर से जो उन्होंने 50 स्टोर ओपन किया, दूसरा जो एक ऑनलाइन भी हमें इनके बिजनेस देखने को मिल जाता है, जो कि www.ethoswatch.limited की अगर हम बात करें तो। सो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टोर की, जो कि 62% के आसपास कंपनी के इनकम जनरेट होता है, जो कि 50 जो उनके रिटेल स्टोर है उनसे। उसके बाद अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो लगभग 37-38% के आसपास हमें उनके ऑनलाइन बिजनेस से हमें इनकम जनरेट होते देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट रेंज की बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर आपके वॉचेस को देखोगे तो कौन सी उनकी वॉच है जो कि हाई लग्जरी प्राइस की बात करें तो 10 लाख से आपको आप बोल सो पर वॉच, मतलब एक एक वॉच की कीमत आपको 10 लाख के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, जिनमें कंपनी के 20% की इनकम आता है। उसके बाद कंपनी के उसके बाद कुछ वॉचेस ऐसी भी दोस्तों जो कि 2.5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको देखने को मिल जाएगा, जिनमें कंपनी के 39% इनकम आता है। उसके बाद कुछ वॉचेस ऐसे देखने को मिल जाएगा जो कि 1 लाख से लेके आपको 5 लाख तक भी प्राइस देखने को मिल जाएगा, जिनमें कंपनी के 18 से लेके 19% की इनकम आता है। उसके बाद कुछ वॉच ऐसे हैं जो कि 25,000 से लेके 1 लाख तक भी आपको उनके प्राइस देखने को मिल जाएगा, जिनमें 17-17.5% की इनकम आता है। और बाकी और भी फैशन एंड मास सेगमेंट की बात करें, जिनमें आप देख पाएंगे 25 लाख पर वॉचेस हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि वो सत्तों के 5-5.5% के कंपनी का हमें इनकम आते हुए देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी के, साथ ही साथ कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी, जब हमने देखा था सिर्फ 1,500 करोड़ के था, आप देख पाए 2,000 करोड़ के था, अब लगभग 3,000 करोड़ के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिला। उसके बाद करंट प्राइस आप देख पाएंगे 1,300 के आसपास, और ये बीच में टॉप बनाए थे। साथ साथ कंपनी की अगर परफॉर्मेंस को देखोगे तो बहुत ही न्यू कंपनी है, तो बहुत ही कम डेटा हमारे पास है 2021 से। अगर कंपनी के आप इनकम को देखोगे तो 2021 में कंपनी की इनकम था सिर्फ 386 करोड़, उसके बाद 577 करोड़, उसके बाद 788 करोड़, तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी की इनकम ग्रो हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी के पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट को देखोगे तो वो भी आपको शानदार ही देखने को मिलेगा, एक टाइम पर सिर्फ 4 करोड़ था, उसके बाद 23 करोड़, उसके बाद 59 करोड़, तो मल्टीप्लाई के हिसाब से कंपनी के ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस ग्रो हो रहा है, तो बहुत ही शानदार कंपनी है। सो अगर आपके पास एथॉस लिमिटेड कंपनी है तो बिजनेस वाइज लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही शानदार कंपनी है। और अभी तक की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, जब से लिस्टिंग हुआ अभी हमें आईपीओ देखने को मिला तीनों के तीनों कंपनी, लेकिन पोटेंशियल बहुत है, अभी भी आप देख पाएंगे 82% सिर्फ एक मतलब एक साल के अंदर ही, तो यहाँ तक कंपनी सीमित नहीं रहेंगे, आने वाले टाइम में 200-300-500-1,000% तक भी ये आपको रिटर्न देने की क्षमता है। तो अगर आपको इतने रिटर्न चाहिए तो आप चाहो तो इन स्टॉक को ज़रूर कंसिडर करना, ब्लाइंड ही जाकर खरीद मत देना, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। या तो फिर ये 1,000 पे आ जाए, जो कि अगर बाजार में गिरावट होगा तभी पॉसिबल है, या तो Q1 के नंबर देख लेना, तब चाहो तो आप इसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। लेकिन प्लीज इन स्टॉक को वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करके चलना, क्योंकि ये इसमें इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। ये कंपनी आने वाले टाइम में ये 1400 का स्टॉक 10,000 या 14,000 तक भी जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है, मैं लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ। द नेक्स्ट स्टॉक है हमारा लेटेन व्यू। अगर हम लेटेन व्यू की बात करें, ये कंपनी भी हमें हाल ही में जस्ट बाजार में IPO के थ्रू लिस्टेड होते देखने को मिला। अगर हम इस कंपनी की भी बात करें
तो ये भी कंपनी आप देख पाएंगे प्रोवाइड करते हैं एनालिटिक्स सर्विस सच डेटा एनालिटिक्स की बात करें, कंसल्टिंग बिजनेस की बात करें, साथ साथ ये भी आप देख पाएंगे कंपनी दोस्तों प्रोवाइड करते हैं सर्विस टू ब्लू चिप कंपनी एंड टेक्नोलॉजी, इसके जो योगदान आपको देखने को मिल जाएगा BFSI सेगमेंट में, CPG रिटेल इंडस्ट्रियल, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियाँ जिनमें कंपनी का हमें अच्छे खासे योगदान देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो कंपनी की इंटरनेशनल ऑपरेशन है उसमें भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर कुछ पॉपुलर कंट्री में, जैसे अगर हम बात करें US के, यूरोप, एशिया, उसके बाद और भी बाकी सारी चीज़ें, जैसे हमें यूनाइटेड स्टेट की बात करें नेदरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम की बात करें सिंगापुर, बहुत बड़े बड़े कंट्री में हमें इस कंपनी के हमें अच्छे खासे प्रेजेंस भी देखने को मिल जाता है। साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंपनी के क्लाइंट, सो किसी भी कंपनी के अगर क्लाइंट बेस बहुत ही स्ट्रांग होता है बहुत ही ज़्यादा, तो उस कंपनी को रेगुलर बेस पे हमें इनकम आते हुए देखने को मिल जाता है, जिनमें हम लेटिन व्यू का नाम ज़रूर ले सकते हैं, जो कि आप देख पाएंगे वर्ल्ड के जो टॉप 500 कंपनी है उनमें से कंपनी के पास मैं 30 फॉर्च्यून मतलब 500 क्लाइंट देखने को मिल जाता है, जो कि ये बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। साथ साथ कंपनी के अगर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को देखोगे, जो कि हाल ही में आपको बताया मैंने कि CPG रिटेल की बात करें, इंडस्ट्रियल की बात करें या फिर BFSI सेगमेंट की बात करें, सो उसमें भी आप देख पाएंगे सबसे पहले कंपनी के जो टेक्नोलॉजी है उसमें 63%, CPG रिटेल की बात करें तो उसमें आप देख पाएंगे 9.5%, इंडस्ट्रियल की बात करें तो 17% के आसपास, और BFSI इंडस्ट्री की बात करें तो 9.5% के इनकम। तो ओवरऑल कंपनी की जो सेगमेंट है हर सेगमेंट से हम कंपनी के एक अच्छे खासे हमें योगदान देखने को मिल जाते हैं। और अभी तक कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये तो थोड़ा पुरानी कंपनी है तो हमें ज़्यादा डेटा मिल जाएगा, 2019 से अगर कंपनी की इनकम को देखोगे तो आपको अच्छे खासे ऊपर ही जाते देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ कंपनी के अगर क्वार्टरली बेसिस नंबर को देखोगे तो आप देख पाएंगे क्वार्टरली बेसिस नंबर भी आपको धीमे धीमे ग्रो होते देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अच्छे ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो लेटिन व्यू लिमिटेड ये कंपनी जस्ट अभी अभी हमें बाजार में लिस्टेड होते देखने को मिला, जो कि आप देख पाएंगे 26 नवंबर 2021 में इसका जो IPO था बहुत ही धमाकेदार देखने को मिला, उसके बाद भी स्टॉक रुका नहीं, जहाँ से लिस्टिंग हुआ था एक तो लिस्टिंग गेन बहुत शानदार देखने को मिला, उसके बाद भी स्टॉक हमें 754 तक इतने लेवल तक स्टॉक हमें जाते देखने को मिला, तो बहुत ही शानदार रैली हमें देखने को मिला था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्टॉक को तेजी देख के खरीदा, अब टॉप लेवल से 50% की गिरावट, या फिर टॉप से देखोगे एग्जैक्टली इस लेवल से तो और भी ज़्यादा आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाएगा। सो उनको भी बता चुका हूँ कि लेटिन व्यू एक न्यू कंपनी ज़रूर है, अभी भी देखोगे तो आपको ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल जाएगा, अभी भी स्टॉक आपको महंगा देखने को मिलेगा, लेकिन बिजनेस वाइज बहुत ही शानदार कंपनी है। तो अगर आपके पास है तो प्लीज़ ये जो लॉस हो रहा है तो लॉस में बिल्कुल भी मत बेचना, इस कंपनी में भी एक टाइम तेजी ऐसा आएगा जो कि आप सोच भी नहीं पाओगे, जो कि आपको इस लेवल तोड़ के भी वो उससे भी आपको रिटर्न बना के दे देगा। तो अगर आपके पास है तो प्लीज़ लॉस में बिल्कुल भी मत बेचना, किसी को अगर फ्रेज बाइंग से रिलेटेड डिसीजन लेनी है तो 2-3 क्वार्टर कंपनी की कंसिस्टेंसी अच्छे नंबर देखना, उसके बाद ही चाहो तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप डिसीजन ले सकते हो। तब तक के लिए इन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके ज़रूर चल सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सो डेटा पैटर्न। सो हाल ही में 2 दिन पहले मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, तो आप देख पाएंगे कल के दिन एक शानदार तेजी देखने को मिला, लगभग 3.5% की तेजी, 6 मंथ की बात करें तो 70%, 1 साल में लगभग 200%, और जब से लिस्टिंग हुआ ये भी कंपनी जस्ट हमें 21 में देखने को मिला, अब हार्डली बोल सकते तो ये भी 1-1.5 साल ही हुए, तब से लेके दोस्तों 150%, तो बहुत ही शानदार हमें IPO भी देखने को मिला था, उसके बाद कंसिस्टेंसी हमें स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिला। अगर हम इस कंपनी की भी बात करें, ये भी कंपनी आपको बताया डिफेंस रिलेटेड, एरोस्पेस रिलेटेड हमें इस कंपनी के अच्छे खासे योगदान देखने को मिल जाते हैं, जो चाहो तो कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको भी चाहो तो आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद अगर कंपनी के कस्टमर की बात करें, फिर जो क्लाइंट की बात करें, तो आपको पता है आपको BEL देखने को मिल जाएगा, आपको HAL देखने को मिल जाएगा, आपको ISRO देखने को मिल जाएगा, DRDO देखने को मिल जाएगा, सारे के सारे आपको सरकारी कंपनी देखने को मिल जाएगा। और ये सारे नाम मैं एक और कंपनी में दिखा चुका हूँ दोस्तों, इम्टार टेक्नोलॉजी, आप उससे भी कंसिडर करके जरूर चल सकते हो। तो कंपनी बिजनेस वाइज बहुत फैंटेस्टिक है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, खास करके डिफेंस एरोस्पेस से जुड़ा हुआ, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाली ये कंपनी। तो आप चाहो तो डेटा पैटर्न को, इन स्टॉक को भी ज़रूर अपने रडार के ऊपर रख के चल सकते। इस तीनों के तीनों कंपनी की बात करें दोस्तों, अभी अभी 1-1.5 साल हुए तीनों कंपनी लिस्टिंग हुआ, उनमें से अगर बात करें 2 कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया अभी तक, एक डेटा पैटर्न, दूसरा एथोस लिमिटेड, एकदम ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लेटेन व्यू की बात करें उसमें ऑलरेडी उसके जो IPO देखने को मिला था बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल के उसने लिस्टिंग गेन दिया, उसके बाद भी स्टॉक ने शानदार तेजी दिखाया, अब वैल्यूएशन हमें इतना ज़्यादा देखने को मिला जिनके चलते हमें बहुत शानदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जिनके चलते स्टॉक में 50% की गिरावट देखने को मिला, स्टॉक गिरा
इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है, कंपनी बहुत सॉलिड है बिजनेस वाइज। तो तीनों के तीनों कमाल की कंपनी, आप चाहो तो इन तीनों स्टॉक को अगर आपके पास है तो अच्छी बात, अगर आपके पास नहीं है वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। तीनों में से किसी को भी डिसीजन लेने हैं प्लीज़ Q1 के नंबर देख लेना, उसके बाद ही चाहो तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सो वीडियो